आजीविका मिशन के तहत कौसानी क्षेत्र के गांव में किसानों को संक्रमित बकरियां देने की शिकायत के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम मौके पर भेजी है। जांच के लिए गरुड़ पहुंची टीम के सामने ही ग्रामीणों ने नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। नाराज किसानों ने कहा कि कौसानी सहित लौबाद, भोजगण आदि गांव में प्रशासन ने किसानों को संक्रमित बकरियां वितरित कर दी, कारण उनकी गौशाला में पहले से ही मौजूद बकरियां व अन्य जानवर भी संक्रमित हो गए। किसानों ने बताया कि संक्रमण के कारण मवेशियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदीश भंडारी के नेतृत्व में किसानों ने गरुड़ विकास खंड में प्रदर्शन किया। परियोजना निदेशक शिल्पी पंत ने प्रभावित किसानों से बात की तथा इस मामले की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये आजुका से इनको बकरीवाड़ा से कुछ बकरियां दी गई हैं सुमो के द्वारा, तो उन बकरियों के आने से क्या हुआ, जो इनके घर के जानवर अपने बकरियां थी उनमें एक ऐसा वायरल आया है कि उससे पूरे गाँव में पूरे क्षेत्र में महामारी की रूप ले लिया है। इनके वहाँ से दो बकरियाँ या तीन बकरियाँ मिली, जो घर में इनके 10-10 बकरियाँ थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब वो बकरियों से, गाय से, भैंस से, बड़े बड़े जानवरों में ये महामारी फैलने का पूरा पूरा भय है, और हम चाहते हैं कि उसमें पहले शासन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई करे, उचित कड़ा कदम उठाए, पहले जो वायरल फैल रहा है उसकी जाँच करे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी रोकथाम करे। और दूसरी बात और ये है, जो इनके घर के बकरियाँ जो मारी गई हैं उसका भुगतान कौन करेगा, मेन प्रश्न यह है, और इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि उसकी भरपाई कौन करेगा। इसकी भरपाई हम सीधे सीधे चाहेंगे जो समिति के थ्रू इनको बकरियाँ मिली राजस्थान से, और इन लोगों को पता होना चाहिए कहाँ राजस्थान का क्लाइमेट है, कहाँ उत्तराखंड का क्लाइमेट है, वहाँ की बकरियाँ यहाँ लाए, उन बकरियों में एक ऐसा वायरल रहा कि उनको क्वारंटाइन भी नहीं करा गया। आज हमारे भाई लोग दिल्ली मुंबई से आते हैं, हम उन लोगों को क्वारंटाइन करते हैं। ये तो एक जानवरों को लाए थे ट्रकों में भर भर के, वो भी ये सभी लोग बता रहे हैं कि रात्रि में इनको वो बकरियां दी गई हैं, और कुछ इनको बताया भी नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है, समिति जो बनती है, समिति के अंदर एक इनके आजुका में जो भी लोग रहते हैं उसमें एक समिति बनती है, उस समिति का अध्यक्ष जो होता है ग्राम प्रधान होता है। इन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया गया, लोगों को बकरियां रात में आके पकड़ा दी, और उसने एक ऐसी महामारी का रूप ले लिया कि आज गाँव में बहुत बड़ा भय हो गया। देखिए ऐसा है, इस संबंध में हमें भी लिखित में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक कमेटी सीडो साहब के माध्यम से जिला स्तर पे बनाई गई है, जिसमें मैं परियोजना निदेशक और डिप्टी सीबीओ साहब और ट्रेजरी ऑफिसर हैं। आज हम यहाँ आए थे जांच करने के लिए, हमने लोगों को सुना, उनकी समस्याएं भी सुनी है, इसके पश्चात हम फील्ड में भी इसको देखेंगे, और जो भी इसमें हमारी प्रतिक्रिया होगी वो अपनी जाँच में सबमिट करेंगे। टीसीए न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।